नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल कलर्स ऑफ लाइफ। सो आज के वीडियो एक विंटर स्पेशल वीडियो होने वाली है एंड टुडे आई एम गोना टॉक अबाउट दिस बोरो प्लस। यस, बोरो प्लस सभी को पता है, सभी के घर पे होता है, बट इसके बहुत सारे ऐसे यूजेस हैं जो शायद आप लोगों को पता ना हो या फिर आप लोगों में किसी को पता हो एंड किसी को पता ना हो। सो आज इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ कि इस बोरो प्लस को हम कितने डिफरेंट तरीके से यूज कर सकते हैं अपनी स्किन के लिए। सो अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, देन प्लीज डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग माई चैनल एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बेल आइकन। एंड सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। ये है बोरो प्लस एंटीसेप्टिक क्रीम। सो मेरे पास ये वाला ट्यूब है। सो दिस इज बोरो प्लस हेल्दी स्किन एंटीसेप्टिक क्रीम विद स्किन लविंग हर्ब्स फॉर नेचुरली हेल्दी स्किन। इसकी क्वांटिटी है 19 ग्राम्स एंड इसकी प्राइस है 33 रुपीज़। सो इसके बड़े वाले पैक भी आती है, 50 ग्राम की आती है शायद, इससे बड़ी भी आती है एंड इससे छोटी भी 10 रुपीज़ वाली ट्यूब आती है। पहले तो 5 रुपीज़ में मिलता था, अभी 10 रुपीज़ हो गया होगा क्योंकि बहुत टाइम हो गया मैंने वो छोटी वाली नहीं ली है, तो शायद 10 रुपीज़ में मिलता है वो। एंड दिस इज़ वो 33 रुपीज़ एंड इसकी क्वांटिटी है 19 ml एज यू कैन सी। इसके शेल्फ लाइफ है 17 to 20। ओके, सो इसकी शेल्फ लाइफ है 3 ईयर्स और 3 ईयर्स में तो आप इसको आराम से यूज़ कर सकते हो विंटर्स में। विंटर्स में ही नहीं, आप इसको रेनी सीजन में भी यूज़ कर सकते हो। सो आराम से ये ख़त्म हो जाएगा। एंड इसके बाहर की पैकेजिंग मेरे पास नहीं है बिकॉज आप लोग देख सकते हो मैंने इसको पूरा ख़त्म कर लिया है। ख़त्म नहीं किया है, अभी भी है, चलता है, मतलब अभी भी ये है, थोड़ा सा बचा हुआ है। सो यहाँ पे आपको पीछे सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी एंड इसके कुछ यूजेस भी यहाँ पे लिखे हुए हैं। ओके, सो हील्स, प्रोटेक्ट्स एंड मॉइस्चराइजेस द स्किन, डेवलप्ड बाय आयुर्वेदिक एंड इंटरनेशनल स्किन एक्सपर्ट्स, क्लिनिकली टेस्टेड फॉर इट्स एफिशिएंसी। और ये सब चीज़ें, इंग्रेडिएंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं एंड आयुर्वेदिक मेडिसिन ऑइंटमेंट फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली। सो इसको एकदम आपको मुँह में नहीं लेना है और आप लोग ध्यान रखें कि बच्चों के सामने ये ना रखें क्योंकि आप यू नो मुँह के अंदर जा सकता है। सो ये सिर्फ स्किन के लिए है और मैंने आप लोगों को इसकी प्राइसिंग बता दी एंड इसकी शेल्फ लाइफ है 3 ईयर्स। सो लेट्स टॉक अबाउट इट्स यूजेस कि हम इसको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। सो फर्स्ट आप इसको एज अ मॉइस्चराइजर यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये एक एंटीसेप्टिक क्रीम है एंड यहाँ पे भी लिखा हुआ है दैट इट मॉइस्चराइजेस योर स्किन। सो आप इसको मॉइस्चराइजर की तरह यूज़ कर सकते हैं। ये एक थिक कंसिस्टेंसी है इसकी एज यू कैन सी, तो ये आपकी स्किन को अच्छी तरह से मॉइस्चराइज करेगा। आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हो, थिक इसकी कंसिस्टेंसी है और ये आपकी स्किन को अच्छी तरह से मॉइस्चराइज करेगा। सो इफ़ यू फील दैट योर मॉइस्चराइजर इज़ नॉट दैट एफिशिएंट, तो आप अपने मॉइस्चराइजर में इसको ज़रा सा यूज़ मतलब मिक्स करके भी यूज़ कर सकते हो। एंड अनदर यूज़ जो है वो इसको एज अ नाइट क्रीम यूज़ कर सकते हो। मैं विंटर्स में इसको एज अ नाइट क्रीम यूज़ करती हूँ एंड नॉट ओनली मी, माई मम्मी पापा एवरीवन, हमारे घर में सब लोग इसको एज अ नाइट क्रीम यूज़ करते हैं। सो और अभी से नहीं, बहुत टाइम से यूज़ करते हैं एंड आप अगर आपके बच्चे ऐसे 7-8 साल के ऊपर है तो उनको भी आप लगा सकते हो, ये कोई हार्म नहीं है। सो हमारे घर में तो सभी मतलब छोटे बड़े सभी लगाते हैं एज अ नाइट क्रीम इसको एंड ये बहुत अच्छा काम करता है। आप रात में अच्छी तरह से अपनी स्किन पे लगा के अगर आप सोएंगे तो मॉर्निंग में उठ के आपको इसको वॉश करना है एंड आपकी स्किन सॉफ्ट एंड सपल एकदम अच्छी हो जाएगी। सो यस, आप इसको एज अ मॉइस्चराइजर यूज़ कर सकते हैं, दिन में भी यूज़ कर सकते हैं, बट दिन में अगर आप किसी भी मॉइस्चराइजर को यूज़ करें तो इसको थोड़ा सा मिक्स करिए और यूज़ करिए एंड रात में इसको अच्छी तरह से फेस पे अप्लाई करके मसाज करके आप सो सकते हो एंड जब आप मॉर्निंग में उठोगे तो आपका फेस एकदम ही सॉफ्ट सपल हो जाएगा। बोरो प्लस और बोरोलिन जो भी आप यूज़ करें
और सेकंड यूज़ इसका जो है वो है चैप लिप्स, क्योंकि सर्दियों में होंठ बहुत ज़्यादा फट जाते हैं, स्पेशली ठंडी जगह पे बहुत ही ज़्यादा होंठ फटते हैं, और मुझे भी सर्दियों में ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है, इवन मुझे तो गर्मियों में भी होती है, तो मैं रात को भी एज अ लिप मास्क इसको लगा के सोती हूँ। जब भी मैं लिपस्टिक अप्लाई करती हूँ, जब भी मैं लिपस्टिक लगाती हूँ, अगर मैंने 2 दिन कंटिन्यूसली लिपस्टिक लगाई तो मेरे होंठ फट जाते हैं, पता नहीं क्यों क्या है। और ऐसा भी नहीं है कि मैं कोई भी लिपस्टिक यूज़ कर लेती हूँ, अच्छा ही करती हूँ, फिर भी मेरे साथ ये प्रॉब्लम होता है कि मेरे होंठ ना फट जाते हैं, तो इसीलिए मैं इसको नाइट में अच्छी तरह से एक थिक लेयर अप्लाई करके मसाज करके सो जाती हूँ, एंड लिप्स को ये बहुत ही सॉफ्ट सपल बना देता है। तो आप इसको चैप लिप्स के लिए एज अ लिप बाम यूज़ कर सकती हो, एंड अगर आप यूज़ करना चाहे, इफ़ यू आर कंफर्टेबल, देन यू कैन यूज़ इट एज अ लिप मास्क। अच्छे से एक मोटी लेयर आप लगा के सो सकते हो, बट मैं उतना मोटा लेयर नहीं लगाती हूँ, बट एक थिन लेयर इसको लेके अच्छे से रब करके सो जाती हूँ, एंड ये बहुत अच्छे से काम करता है। एंड थर्ड यूज़ इसका ये भी है कि अगर आपकी स्किन कहीं पे ड्राई है, सपोज़ विंटर्स में क्या होता है कि हमारे यहाँ पे जो है, यहाँ पे थोड़ा सा ड्राई होता है, इधर इधर ड्राई होता है, जो लोग बहुत ही सर्दियों में रहते हैं, मतलब ठंडी जगह में रहते हैं, उनको पता है कि यहाँ पे ना स्किन ड्राई हो जाती है, इधर इधर ड्राई होता है, और यहाँ पे ड्राई हो जाती है, और वाइट कलर का कुछ वाइट पैचेस इस तरह का दिखता है, तो उसमें भी आप रात को इस तरह से लगा के सो सकते हो, एंड मॉर्निंग में आप देखोगे 2-3 दिन आप इस तरह से करोगे, देन ये वो ठीक हो जाएगा, आपकी स्किन सॉफ्ट हो जाएगा। तो आपकी स्किन कहीं पर भी अगर थोड़ी सी ड्राई हुई पड़ी है, देन आप इसको यूज़ कर सकते हो। एंड सर्दियों में एक चीज़ ये होती है कि जैसे विलेजेस में हो गए, क्योंकि शहर में तो बच्चे अपने अपने घर के अंदर ही खेलते हैं, यहाँ तो बच्चे अपने अपने घर के अंदर ही खेलते हैं, तो उनका उतना ज़्यादा ड्राई होने का प्रॉब्लम नहीं है। बट गांव में, विलेजेस में ना, बच्चे विंटर वेकेशन में क्या करते हैं कि बाहर जाते हैं, बाहर खेलते हैं, क्रिकेट ये सब बाहर खेलते हैं, खेतों में खेलते हैं, और ये सब करते हैं, बाहर ही खेलते हैं, मोस्टली गाँव में तो बाहर ही खेलते हैं, बच्चे जमा होते हैं एंड खेलते हैं। तो बच्चे जब खेल के आते हैं तो वो सर्दियों में एक तो स्किन ड्राई हो जाती है, एंड ऊपर से अगर बाहर खेलते हैं तो धूल मिट्टी उनकी स्किन में लग जाती है, तो इसलिए भी बच्चों की स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई होती है। बच्चे मीन्स 8-10 साल के इतने बड़े बच्चे कि वो खुद जाके खेल के आ सके, है ना, तो अगर उनकी स्किन इस तरह से ड्राई हो रही है एंड ड्राई हो रही है, देन यू शुड डेफिनेटली यूज दिस बोरोप्लस ऑन योर स्किन। रात को जब आपका बच्चा अच्छे से फेस वॉश करेगा, मतलब हाथ पैर सभी क्लीन अप होगा, देन आप उसको उसके फेस पे भी आप ये लगा सकते हो, और हैंड्स पे भी अच्छी तरह से उसको लगा सकते हो, तो आपके बच्चे को भी फायदा होगा। एंड अगर आप शहर में रहते हो तब भी गांव कर सकते हो, बट स्पेशली गांव में गांव के बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम होता है, क्योंकि वहां पे धूल मिट्टी ये सब ज़्यादा होता है, एंड बच्चे बाहर जाके खेलना ही पसंद करते हैं, घर के अंदर खेलना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि हम भी जब बच्चे थे तो हम भी बाहर जाते थे, खेतों में खेलते थे और ये सब गेम्स खेलते थे, तो हमारा भी यही हाल होता था, एंड मम्मी लोग यही लगाते थे बोरोप्लस। सो आप लोग अगर गांव में रहते हो, आपके बच्चे बाहर खेलने के लिए जाता है एंड उसको ड्राई स्किन की प्रॉब्लम हो रही है, देन आप इसको डेफिनेटली यूज़ कर सकते हो अपने बच्चे के लिए भी। ओके, देन अगर आपकी स्किन कहीं पे ईची है, ईचीनेस हो रही है, और इंसेक्ट ने कटा हुआ है, मतलब थोड़ा सा इंसेक्ट बाइट है, ईचीनेस है, तो आप इसको लगा सकते हो, ये बहुत अच्छा काम करता है। कभी कभी क्या होता है ना कि एंट्स भी काट देते हैं, और स्किन बहुत ही ईची लगती है, रेड रेड लगती है, और या रेड रेड लगती है, एंड उस टाइम आप इसको लगा सकते हो बोरोप्लस को अच्छी तरीके से। देन यू कैन यूज इट एज अ हैंड क्रीम ऑल्सो, आप इसको हैंड क्रीम की तरह भी लगा सकते हो। हैंड क्रीम का काम क्या होता है, आपके हाथों को मॉइस्चराइज करना, राइट, तो ये आपके हाथों को अच्छी तरह से मॉइस्चराइज करेगा। सो मैंने जो लिया था, मैं अपने हैंड्स पे इसको लगा रही हूँ।
ओके, तो मैंने लगा लिया। तो आप इस तरह से अपने हैंड्स पे भी लगा सकते हो, एंड इफ यू आर ट्रैवलिंग यू कैन कैरी इट इन योर बैग। बहुत ही छोटू सा है, ट्रैवल फ्रेंडली है, तो ट्रैवल के टाइम इसको कैरी कर सकते हो। एंड अगर आपके हाथ थोड़े से ड्राई लगे तो आप इसको लगा सकते हो। एंड ये बिल्कुल भी मेडिसिन की खुशबू या फिर उस तरह की, मतलब एक होती है ना फ्रेगरेंस, वैसे फ्रेगरेंस बिल्कुल भी नहीं है। बहुत ही अच्छी फ्रेग्रेंस है, बहुत बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस है। तो आप इसको अपने हैंड्स में डेफिनेटली यूज कर सकते हो। सो यू कैन यूज इट एज अ हैंड क्रीम, और आप अपने बच्चों के लिए भी यूज कर सकते हो एज अ हैंड क्रीम, और आप भी यूज कर सकते हो एज अ हैंड क्रीम। एंड लड़के लड़की सब भी यूज कर सकते हैं इसको, कोई भी एज ग्रुप का इंसान इसको यूज कर सकते हैं। अगर घर में दादी है दादाजी है तो उनके लिए भी आप ये ला कर दीजिए, एंड उनको यूजर्स बताइए इसके, उनके लिए भी बहुत फायदेमंद होने वाला है, वो भी इसको यूज कर सकते हैं। ओके, तो मैंने इसको अपने हाथों में लगा लिया, एंड आप लोग देख सकते हो मतलब बहुत सॉफ्ट फील हो रही है। सो इसको आप एज अ शेविंग के बाद में जो क्रीम यूज कर सकते हैं, आफ्टर शेव जेल या फिर आफ्टर शेव क्रीम जो यूज कर सकते हैं, इसको भी यूज कर सकते हो आप। एंड इसको ना आप लड़के भी यूज कर सकते हैं, लड़कियां भी यूज कर सकती है, क्योंकि दोनों शेविंग करते हैं। लड़के भी इसको आफ्टर शेव की तरह यूज कर सकते हैं, एंड लड़कियां भी यूज कर सकती है, क्योंकि शेविंग करने के बाद वो रेजर बम्स जो होते हैं वो बहुत ही बुरे होते हैं, एंड स्किन थोड़ी सी यू नो इरिटेटिंग हो जाती है, इचीनेस वहां पे आ जाती है। तो आप जब भी शेविंग करें, शेविंग के बाद इस बोरोप्लस को आप एज अ आफ्टर शेव क्रीम यूज कर सकते हो। एंड मार्केट के बहुत सारे महंगे महंगे प्रोडक्ट्स जिसमें बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, उससे भी बच सकते हो। इसको आप एज अ आफ्टर शेव क्रीम यूज कर सकते हो, लड़के भी लड़कियां भी दोनों इसको यूज कर सकते हैं। एंड इफ यू डूइंग वैक्सिंग देन वैक्सिंग के बाद भी आप इसको यूज कर सकते हो। ओके, सो इसका अनदर यूज ये है कि अगर आप किचन में काम कर रहे हो एंड आपका थोड़ा सा हाथ जल गया, ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा के लिए ये नहीं है, बस थोड़ा सा कभी कभी जल जाता है ना कि कढ़ाई में टच करते टाइम थोड़ा सा जल गया या फिर इस तरह से हो गया, और सब्जी काटते टाइम थोड़ी सी हाथ पे मतलब फिंगर्स पे बहुत थोड़ी सी अगर लगी हो तब आप इसको यूज कर सकते हो। अगर आपका हाथ थोड़ा सा यू नो जल गया हो तो आप इसको एक मोटी लेयर इस तरह से करके लगा सकते हो। तो ये थोड़ी सी माइनर कट्स माइनर बर्न्स पे भी हेल्प करता है, बट ज्यादा नहीं। मतलब अगर ज्यादा ही बर्न हुआ हो देन यू शुड गो टू हॉस्पिटल, बट अगर थोड़ा सा कुछ जला हो, मतलब हम किचन में रेगुलर काम करते हैं तो कुछ ना कुछ होता ही रहता है, कुछ ना कुछ मतलब थोड़ा सा जलता है, कभी थोड़ा सा कट होता है, तो ये एकदम नॉर्मल बात होती है। जो लोग किचन में रेगुलर काम करते हैं तो वो लोग यूज कर सकते हैं इस क्रीम को। अगर थोड़ा सा जला हो देन आप थोड़ा सा ले लीजिए एंड इस तरह से करिए। एंड अगर थोड़ा सा कट लग गया हो, कभी कभी सब्जी काटते टाइम यहाँ पे कट लगता है, यहाँ पे कट लगता है, मतलब थोड़ा थोड़ा, तो उस टाइम आप इसको यूज कर सकते हो। एंड इसको आप अपने क्रैक्ड हील्स में यूज कर सकते हो। जो फटे हुए एरिया होते हैं, क्रैक्ड हील्स होते हैं, वो बहुत ही गंदे लगते हैं, बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। एंड स्पेशली जब आप हील्स पहन रहे हो, कुछ अच्छा सा सैंडल पहन रहे हो, एंड आपका जो हील्स है वो फटा हुआ है तो अच्छा नहीं लगता है। एंड आप क्या करते हो कि हमेशा ही आप बेली शूज पहनते हो या फिर स्नीकर्स पहनते हो उस फटे हुए हील्स को छुपाने के लिए, है ना। तो आप लोग इसको डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो अपने फटे हुए हील्स में, फटे हुए एरिया क्रैक्ड हील्स में आप इसको डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। आपको रात को सोने से पहले इसको एक मोटी लेयर लेके अच्छे से अपने क्रैक्ड हील्स में मसाज करना है एंड सो जाना है। इफ़ यू आर कंफर्टेबल वेयरिंग सॉक्स देन आप सॉक्स पहन के भी सो सकते हो, बट अगर आप जहाँ पे आपकी पैर लगनी है वहां पे अगर कोई पुराना सा बेडशीट आप बिछा दोगे तो आपको सॉक्स पहन के सोने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो
आप अपने क्रैक्ड हील्स में आप इसको यूज़ कर सकते हो, क्योंकि फटी हुई जो एरिया होती है उसमें ये काफ़ी हेल्प करता है, काफ़ी 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 हेल्प करता है। तो अगर आपकी हील्स क्रैक्ड है तो देन आप इसको डेफिनेटली यूज़ करिए, ये आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाला है। बट एक ही यूज़ में नहीं, एक यूज़ में कुछ भी नहीं होता, आपको इसको रेगुलरली यूज़ करना चाहिए। रात को यूज़ करिए, मॉर्निंग में वॉश करिए, फिर अगेन रात को यूज़ करिए, मॉर्निंग में वॉश करिए। ऐसे अगर एक हफ्ते से ज़्यादा आप करेंगे तो आई अश्योर यू कि आपको सैटिस्फैक्ट्री रिजल्ट मिलेगा, अच्छा रिजल्ट मिलेगा। एंड अनदर जो इसका यूज़ है वो ये है कि कभी आपकी रिंग्स होती है, कभी आपके बैंगल्स होते हैं वो टाइट हो जाते हैं, तो इतने टाइट नहीं, मतलब थोड़े से टाइट हो जाते हैं एंड आप उसको यहाँ से ले नहीं पाते हो, तब आप क्या कर सकते हो कि थोड़ा सा आपने ये बोरोप्लस ले लिया, थोड़ा सा आपने ये बोरोप्लस ले लिया एंड आपने अपने फिंगर में इस तरह से इसको रब कर लिया। अगर आपकी रिंग टाइट है तो इस तरह से आपने रब कर लिया। ओके, सो इस तरह से बोरोप्लस को रब करने के बाद आप अपने रिंग को आसानी से फिट कर सकते हो। ओके, सो दिस इज नॉट दैट टाइट, ये इतना ज्यादा टाइट नहीं, फिर भी निकलता नहीं है। ओके, तो निकलता नहीं है, तो मैंने यूजुअली ये निकलता नहीं है, बहुत डिफिकल्टी होती है, बट आज मैंने इसमें बोरोप्लस लगाया हुआ है फिंगर में, तो ये देख रहे हो आसानी से निकल रहा है। तो आप अगर आपकी रिंग टाइट है तो आप डेफिनेटली इसको यूज़ कर सकते हो, अपने फिंगर में थोड़ा सा रब करके देन आप अपनी रिंग को डाल सकते हो, निकाल सकते हो, बहुत ही ईजी काम हो जाता है। एंड आई एम रिमूविंग दिस रिंग बिकॉज दिस इज ये लेफ्ट हैंड में नहीं पहना जाता। सो और अगर आपकी बैंगल भी टाइट है तो आप इसी तरह से कर सकते हो। अगर बैंगल टाइट है तो यहाँ पे थोड़ा सा अच्छे से मसा बोरोप्लस लेके यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, क्योंकि कहाँ पे टाइट होती है आपकी, यहाँ पे, यहाँ से नहीं, नीचे नहीं जाती ना बैंगल, यहाँ पे अटक जाती है, तो यहाँ पर आप बोरोप्लस अच्छे से मसाज करिए, देन आप बैंगल लगा सकते हो। मैं आप लोगों को लगा के दिखाती हूँ। ओके, सो जो बैंगल ये चूड़ी मुझे मिली है, दिस इज नॉट टाइट, मेरे हाथों में बिल्कुल भी टाइट नहीं है और मेरे पास कोई टाइट चूड़ी है भी नहीं, बट स्टिल मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि किस तरह से करना है। बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं लेना है क्योंकि बैंगल टाइट ना यहाँ पे होता है, यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे ही लगाना है बोरोप्लस, आपको पूरे हाथों में नहीं लगाना है, यहाँ पर ही लगाना है क्योंकि यहीं पर टाइट होता है। और आपने एक बार बोरोप्लस लगा लिया तो आप यहाँ से बैंगल को आराम से कर सकते हो, ये तो आराम से जा रहा है क्योंकि ये टाइट नहीं है, बट मैं आप लोगों को जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ कि यहाँ पर ही आपको लगाना है, यहाँ यहाँ नहीं लगाना है क्योंकि यहाँ पे कुछ टाइट नहीं होता, सिर्फ यहाँ पे लगाना है, प्रोडक्ट वेस्ट नहीं करना है ज़्यादा लगा के, बस यहीं पे लगा के आपको इस तरह से करना है, ईजीली पहनने में भी आसानी होगी एंड इसको निकालने में भी आसानी होगी। ओके, तो ये होगी बोरोप्लस की यूजेस, ये इजीली अवेलेबल है, आपको किसी मेडिकल शॉप में भी मिल जाएगी, आपको आपको इसको किराने की दुकान में भी मिल जाएगी, बहुत सारे किरानों की दुकान में भी ये रखते हैं क्योंकि ये एक हाउस होल्ड प्रोडक्ट है, सभी लोग इसको खरीदते हैं, तो किराने की दुकान में भी मिल जाएगी, मेडिकल स्टोर में भी मिल जाएगी, ऑनलाइन ऑफलाइन आपको कहीं पर भी मिल जाएगी। सो ये थे बोरोप्लस की यूजेस, जहाँ आप इसको एज अ मॉइस्चराइजर, एज अ नाइट क्रीम यूज़ कर सकते हो, चैप लिप्स के लिए यूज़ कर सकते हो, एज अ हैंड क्रीम यूज़ कर सकते हो, क्रैक्ड हील्स के लिए यूज़ कर सकते हो, अपने हाथों में बैंगल्स लगाने के लिए, रिंग पहनने के लिए अगर प्रॉब्लम हो रही है, टाइट हो रही है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो, और इंसेक्ट बाइट्स के लिए यूज़ कर सकते हो। सो मैंने आप लोगों को बहुत सारी यूजर्स बता दिए हैं बोरोप्लस के, एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो ज़रा सा भी हेल्पफुल लगा हो, अच्छा लगा हो, देन प्लीज़ आप इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ, सभी के साथ शेयर कर दीजिए इस वीडियो को, क्योंकि सभी एज ग्रुप के लोग, बॉयज़ हो या गर्ल्स हो, आंटी अंकल चाची
चाचा कोई भी इसको यूज कर सकते हैं, मम्मी पापा, तो सभी के साथ इसको शेयर कर दीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।